कोहरे की चादर में लिपटा पूरा गोंडा जिला कड़ाके की ठंड से लहर को देखते हुए और जिलाधिकारी डॉक्टर उच्चल कुमार ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षण संस्थाओं की 1 जनवरी से 15 जनवरी तक छुट्टी देने का आदेश दिया है और सुरक्षा दृष्टि पूरे शहर में नगर कोटा वाली पुलिस ने पैदल गश्त किया और आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। नमस्कार आदाब, मैं हामिद अली, आप देख रहे हैं AKC लाइव न्यूज 18 गोंडा से। मैं इस वक्त गोंडा के गुरु नानक चौराहे पे खड़ा हूँ, जहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आज 2022 खत्म हो गई, रात में 2023 1 जनवरी का दिन है, यानी कि संडे का दिन है। और आपको बताना चाहूँगा, ठंड इतनी बढ़ गई है, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे डिग्री चला गया है पारा, यानी 20 डिग्री से नीचे चला गया है। आज दिन भर धूप नहीं निकली है जनपद गोंडा में, ऐसा ही पूरा उत्तर प्रदेश का लगभग हाल रहा है। और लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जला के दिन में भी चले हैं, और यहां तक है कि आज जिला अधिकारी कार्यालय से जो एडवाइजरी जारी हुआ है, सूचना जारी हुआ है, उसे बताना चाहेंगे कि वहां से ये जारी हुआ है कि 1 से लेके 8 तक यानी जूनियर हाई स्कूल के बच्चे जो हैं उनके लिए छुट्टी कर दी गई है। ठंड और शीतलहर इस कदर है कि 50 मीटर भी विजिबिलिटी नहीं है, इसलिए जिलाधिकारी कार्यालय से जारी हो गया है, जिलाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, सूचना जारी की गई है कि ठंड इतनी बढ़ गई है, उसी को जैसे छोटे बच्चों के लिए छुट्टी कर दी गई है 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। 15 जनवरी तक इसलिए कर दी गई है कि भारी ठंड पड़ रही है जनपद गोंडा में। और आपको दिखाना चाहेंगे मेरी तरफ, ये मेरे बाएं तरफ जो बस स्टाफ है, रोडवेज है, इधर ही है, और ये गुरु नानक चौकी भी है। और इधर हम दिखाना चाहेंगे, ये मार्केट है, जो मार्केट है ये, यानी कि महिला साल का ये रास्ता जाता है और यही उतरौड़ा रोड है। यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि ठंड इतनी बढ़ गई है कि कोहरा अभी से गिर रहा है। ओ, मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे दाहिने तरफ दिखाएं कि क्या पोजीशन है, मगर ठंड से बचने के लिए लोग अपने जो साधन है वही पहन के चल रहे हैं। और यहाँ तक है कि लोग अपने बचाव के लिए जो साधन इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी है। मगर हम एक और चीज़ कहना चाहेंगे, जिला अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार के द्वारा, नगर मजिस्ट्रेट अरविंद गुप्ता के द्वारा और SDM के द्वारा, यहाँ तक है अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, वो भी पैदल गश्त कर चुके हैं। और रैन बसेरे का जो आरा बस अड्डे के और गुरु नानक चौकी के बीच बनाया गया है, उसका भी निरीक्षण कर चुके हैं, और रोज़ निरीक्षण होता रहता है। आने जाने वाले जो ठहरने वाले हैं उनसे पूछते भी, उनका हाल भी जानते हैं, और जगह जगह जो अलाव की व्यवस्था है उसको भी जानते हैं, उस जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि कैसे अलाव का व्यवस्था है, कैसा नहीं है। यहाँ तक है कि जो ज़रूरतमंद है और उनको कंबल भी बांटा गया है ठंड से बचने के लिए, ऐसा है। और लोगों के लिए, गरीब के लिए और बेसहारा लोगों के लिए मसीहा बनके लगभग रोज़ निकलते रहते हैं ऐसे जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, ये भी देखने को मिला है। यहाँ तक स्टेशन भी जाते हैं और बस अड्डे पे, चौक बाज़ार में भ्रमण करते हैं पैदल। आज भी गश्त हो रही है, यानी कि नगर कोतवाल के द्वारा और प्रभारी, चौकी प्रभारी भी लोग भी उसमें शामिल हैं और भी पुलिस हैं, और सुरक्षा के दृष्टि से जिसमें ये भी देखा जा रहा है कहीं कोई हुड़दंग ना मचाए और कोई ऐसा दारू पी के उपद्रव न करें, उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। जो बाइक चलाने वाले हैं हुड़दंगियों, उन पर भी नज़र रख रही है पुलिस। गोंडा पुलिस सतर्क है, हर मामले में सतर्क है। हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये देखिए हम उधर दिखाएंगे गुरु नानक चौकी की तरफ, भारी पुलिस बल नगर कोतवाली का पुलिस पूरा भ्रमण करके आ चुका है, उधर दिखाएं। और ये नगर कोतवाल के देखरेख में ये सभी चौकी प्रभारी यहाँ पे थे, यानी कि चौक बाज़ार का निरीक्षण किए हैं, जगह जगह जाके पैदल मार्च किए हैं और सुरक्षा के दृष्टि से पैदल मार्च रहा है। और ये सभी चौकी प्रभारी हैं और उसमें पुलिस भी हैं, नगर कोतवाल राकेश सिंह अपने साथ लेके गए और पूरा भ्रमण करके फिर वापस आ गए हैं। और इधर देखिए, ये मेरे दाहिने तरफ, ये ठंड के दिनों में इनका, चाहे वो 2022 हो चाहे 2023 लग गया है,
मगर इनकी ड्यूटी इसी तरह है, ड्यूटी पे सख्त लगे रहते हैं, अपनी ड्यूटी को अंजाम देते रहते हैं, ऐसा यहाँ गुरु नानक चौकी पे यहाँ पे देखा जा रहा है। और बताना चाहेंगे आज का ठंडी का यानी कि बेहद ठंडा दिन है, और हमारे तरफ से भी हमारे चैनल के माध्यम से भी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि वो भी ठंडी से बचें, और अगर गाड़ी चलाएं तो धीमी गति में चलाएं, और ऐसा कोई ज़रूरी काम ना हो तो बाहर दूर ना निकलें, क्योंकि कोहरा, घना कोहरा है, और हादसे से बचें। हादसा कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह से हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर ट्रैफिक नियमों का साथ साथ पालन भी करें। और हमारे पूरे चैनल के परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं हामिद अली, कैमरामैन तौफीक के साथ, लाइव न्यूज 18 गोंडा।